मंच के संचालन कर रहे संजय यादव जी, मंच पे उपस्थित मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ जी, मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष लौखा विधानसभा के शानदार दानदार विधायक आदरणीय भरत भूषण मंडल जी, मंच पे उपस्थित बाबूभरी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रोफेसर उमाकांत यादव जी, मंच पे उपस्थित राजनगर से विधायक राम अवतार पासवान जी, मंच पे उपस्थित मधुबनी जिला के शानदार नेता जानदार नेता राजकुमार यादव जी, मंच पे उपस्थित तमाम पंचायत प्रतिनिधिगण मुखियागण छात्र नेता संतोष यादव जी, मंच पे उपस्थित तमाम मुखिया जिला परिषद पंचायत समिति तमाम वार्ड मेंबर तमाम कंडोल प्रखंड के जनप्रतिनिधि आए हुए जनता आए हुए, हम अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं आप लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से स्थानीय निकाय के रूप में उम्मीदवार बन के आए हैं। मैं आप लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप लोगों के बीच मैं आप लोगों पंचायत प्रतिनिधि के रूप में भी आप लोगों के बीच में मैं उम्मीदवार बन के आया हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी एक पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम भी एक पंचायत प्रतिनिधि लगातार 2011 से आए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप एक पंचायत प्रतिनिधि भाई के नाते बहन के नाते मुझे आप अपनी प्रथम वर्तिया का वोट देने का काम करेंगे। मैं आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप तमाम पंचायत प्रतिनिधियों की जो समस्याएं हैं मैं सदन में उठाने का काम करूंगा, चाहे वो मानदेय की बात हो चाहे वो पेंशन की बात हो। किसी साथी ने बोला था कि मृत्यु के बाद उचली सदन वाले को पेंशन दिया जाता है, मैं उस सदन में जब जाऊंगा आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से तो मैं उस पेंशन का भी बात करूंगा। रह गया तमाम मधुबनी जिला के 2100 प्रखंड में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जो बैठने का जो समस्याएं हैं प्रखंड में, वो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हम आवाज उठा करके तमाम प्रखंड में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बैठने का ऑफिस दिलाने का काम करेंगे। उसमें आप लोगों के लिए अलग से उसमें कैंटीन का भी व्यवस्था किया जाएगा। तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय की जो बात है मानदेय दिलाने के लिए हमको सदन में जो भी आवाज उठाना पड़ेगा ताकि आप लोगों की मानदेय जो अच्छा हो उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही मैं आप लोगों को जो समस्या होगा मानदेय चाहे प्रति महीना के मिले इसके लिए भी मैं आवाज उठाऊं। किसी साथी ने कहा कि 2011 से अभी तक पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बाकी है, सही माने में क्योंकि 2011 में जब पंचायत समिति थे उस टाइम का पंचायत प्रतिनिधियों के रूप में हम भी थे पंचायत समिति, आज भी मेरा बकाया है जिला परिषद उपाध्यक्ष से आज भी मानदेय बकाया है। तो मैं जानता हूं कि पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं क्या है क्योंकि आप लोगों के बीच से मैं जमीन से जुड़ करके आया हूँ पंचायत प्रतिनिधियों। इसीलिए मैं भाई और बहनों निवेदन करता हूँ कि आप लोगों की आवाज को किसी तरह मैं नहीं दबने दूंगा और जब आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया तो मैं इसी तरह निरंतर आप लोगों के बीच लगातार बना रहूंगा और मान सम्मान करते रहेंगे। मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो जिस तरह से जिला परिषद और क्या कहते हैं पंचायत समिति का बैठक होता है तो मैं भी एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपनी तरफ से तमाम पंचायत प्रतिनिधि चाहे वार्ड सदस्य हो मुखिया हो जिला परिषद हो तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हर 3 महीना पे आपके ब्लॉक में आकर के हम आपके साथ बैठक करने का काम करेंगे। इसलिए बैठक करेंगे मैं आपका पंचायत प्रतिनिधि के रूप में सदन में जाने का काम करेंगे क्योंकि आपकी आवाज बन करके सदन में जाएंगे। इसीलिए आपकी जो समस्याएं होगी वो सदन में हम आपसे लेकर के कुछ हम जानते भी हैं कुछ आपके बीच से आएगा तो मैं उस आवाज को लेकर के आपके सदन में उठाने का काम करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि जिस तरह से आप लोगों ने पंडोल में प्रखंड में लोहर चीनी मिल भी इतनी जनसंख्या में तमाम प्रतिनिधि आए हुए हैं और जिस तरह से मधुबनी जिला में तमाम प्रखंड घूमने के बाद जो आशा और विश्वास लोगों में जगा है कि हमारे बीच से पंचायत प्रतिनिधि आए हैं तो निश्चित नहीं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से सुनिश्चित हमको लग रहा है कि आप लोगों के प्यार से चुनाव जीतेंगे और आपकी आवाज बन करके निश्चित हम लोग सदन में उठाने का काम करेंगे चाहे सरकार किसी का भी हो क्योंकि पहली सरकार आप लोग हमारे पंचायत प्रतिनिधि होंगे क्योंकि मैं भी आपका बेटा और भाई पंचायत प्रतिनिधि के रूप में है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ किसी भी तरह की आंख मान सम्मान पे नहीं आने देंगे इसका विश्वास नहीं पूर्ण
विश्वास आप लोग करिए। अगर आपको विश्वास रहेगा तो 6 साल का ये टर्म जो होगा 6 साल, अगर मान सम्मान में किसी तरह के सम्मान में आएगा तो फिर अगले बार 2028 में आप लोगों के बीच में आइएगा तो आप भी कह सकते कि आपने भी इससे पहले जो पंचायत प्रतिनिधि वोट लेकर दिया वही काम आपने किया। हमारे राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार हुए करके हुआ थे समीर बाबू ने 2003 में जब चुनाव जीते तमाम मलवन जिला के प्रखंड में गांधी स्मृति बनाने का काम किया था। इसके बाद देख लीजिए आप लोग विनोद सिंह भी हुए चाहे समीर कमल महासेठ भी हुए एक भी मधुबनी जिला में देख लीजिए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कोई समस्याए हो चाहे कोई काम किया हो। मैं आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ किसी तरह मान सम्मान पर आज नहीं आने नहीं क्योंकि आप लोगों के मान सम्मान पे आ जाएगा तो मैं प्रतिनिधि के नाते मेरे भी मान सम्मान पे आएगा। मैं आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप लोग अपना वोट देकर।